हरे कृष्णा। तो क्या आप जानते हो कि अगर आप भगवान विष्णु के 3000 नाम भी ले लोगे ना, फिर भी भगवान कृष्ण का एक नाम उस पर भारी पड़ जाएगा। इससे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी भी आती है कि एक समय ऐसा हुआ था कि सभी देवी देवता ये डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहला प्रसाद किसको मिलना चाहिए। तो सभी आपस में वाद विवाद करने लगे कि हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो इस ब्रह्मांड के सबसे पहले परिक्रमा कर लेगा उसको सबसे पहला प्रसाद मिलेगा। तो क्या था, सब परिक्रमा करने लग गए, पर सब इतने बिजी हो गए रेस में कि उन्होंने सामने से नारद मुनि को देखा ही नहीं। पर गणेश जी वहाँ पर रुक गए और उनको प्रणाम भी किया। फिर काफी देर बात होने के बाद नारद मुनि ने गणेश जी को एक पत्ते पर कृष्ण नाम लिख कर दिया और कहा कि इसकी आप परिक्रमा कर लो। और फिर गणेश जी ने उस पत्ते की परिक्रमा की, तब तक बाकी देवी देवता भी वहाँ पर पहुँच गए। तो उन्होंने देखा कि वहाँ गणेश जी पहले से पहुँच चुके हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप हमसे पहले कैसे पहुँच गए। तो गणेश जी ने काफी अच्छा उत्तर दिया उनको, ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो कृष्ण में ही समाया हुआ है और उनमें और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। तो उनके नाम की परिक्रमा कर ली, मतलब इस ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। तो ये है भगवान के नाम की महिमा।